हमीरपुर जिला के बड़सर क्षेत्र के सिंगवी गांव निवासी अशोक कुमार की बेटी अंशिका, जिसे ब्रेन ट्यूमर है, उसके इलाज के लिए सुजानपुर शहर के सुजानपुर सेवा समिति द्वारा 11,000 की राशि सहायता स्वरूप भेजी गई। सुजानपुर सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद मेहरा शंकर भाई ने बताया कि अंशिका जो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है, उसके परिवार की हालत सही नहीं है। हाल ही में क्षेत्र के विधायक एवं बड़सर के विधायक ने भी उस पीड़ित बालिका के घर जाकर परिजनों से बातचीत की और जो यथासंभव सहायता हो सकती थी बैक की और भविष्य में भी सहयोग करने को कहा गया है। उसी तर्ज पर सुजानपुर सेवा समिति, जो शहर के 10 व्यापारियों का एक ग्रुप है, उन्होंने इस समिति का गठन किया, जो बीते 2 वर्षों से कार्य कर रही है। उन्होंने भी इस आबूत बालिका के इलाज के लिए अपनी नेक कमाई से कुछ अंश उसे भेजे हैं। पीड़िता बालिका के पिता से फोन पर बात करके उनके बैंक अकाउंट में 11,000 राशि ट्रांसफर की है। सेवा समिति के अध्यक्ष ने समिति के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया और कहा है कि भविष्य में भी इसी तरह के प्रयास जरूरतमंद परिवारों के लिए करते रहेंगे। कानपुर सेवा समिति का सदस्य और मीडिया प्रभारी होने के नाते आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमें सूचना मिली थी कि हमीरपुर जिला के बड़सर क्षेत्र की सिंघवी गांव की अंशिका, जिसे ब्रेन ट्यूमर है, बीमारी से पीड़ित है, परिवार की हालत सही नहीं है और परिवार ने प्रदेश एवं देश के लोगों से सहायता स्वरूप गुहार लगाई थी कि उनकी बेटी के इलाज के लिए जितना हो सके कोई दान करे। उसी के ऊपर सुजानपुर सेवा समिति ने पहल करते हुए पीड़ित परिवार के बैंक अकाउंट में 11,000 की राशि ट्रांसफ़र की है। सुजानपुर सेवा समिति सुजानपुर के 10 व्यापारियों का एक समूह है और सौभाग्य से मैं भी उसका एक सदस्य हूँ और मीडिया प्रभारी होने के नाते लगातार इस तरह की सेवाएं ग्रुप द्वारा दी जाती रहती है। हमने एक छोटा सा प्रयास करके उस पीड़ित बालिका के लिए कुछ अंश नेक कमाई से दिया है। आशा करता हूँ कि और भी लोग इसी तरह से अपना सहयोग करें। हमारा उद्देश्य फोटो खिंचवाकर या वीडियो बनाकर अपनी इस तरह की प्रशंसा करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि लोग हमारे से और इस काम के प्रति देखकर आगे आएं और उस जैसे जो भी पीड़ित हैं उनकी सेवा लोग कर सकें। मैं अपनी समिति के अध्यक्ष विनोद मेहरा, जो सुजानपुर के व्यापारी हैं, कपड़े का काम करते हैं, उनकी ओर से सभी सदस्यों का